ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन संघ ने अमरपाटन के विद्युत विभाग के डिवीजन ऑफिस का घेराव किया। किसान नेता महेंद्र सिंह ने कहा कि इस समय गांव के किसान लोग काफी त्रस्त हैं। बिजली की अनियमित कटौती, लो वोल्टेज और कई गांव के ट्रांसफार्मर जलने के कारण लोग परेशान हैं। बिजली कटौती के चलते उनकी फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। यही नहीं, बिजली की समस्या इतनी है कि वहां पर लो वोल्टेज होने के चलते ही उनकी मोटर भी नहीं चल पा रही है। इसको लेकर कई बार विभाग को आवेदन भी दिया गया है और उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की गई है, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी नुमाइंदा इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बारिश भी नहीं हो रही है जिसके चलते फसल सूख रही है, इसीलिए बिजली की आवश्यकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग की अनदेखी के चलते बिजली की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए हमने विद्युत विभाग के डिवीजन ऑफिस का घेराव किया है। यदि ये लोग हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हम उच्च स्तर तक का आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे हैं विद्युत वितरण कंपनी से कि इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, अनियमित कटौती, लो वोल्टेज, कई गांव के ट्रांसफार्मर जले हैं, जहां ओवर लोड है उन पर एडिशनल ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे, जिससे इस समय किसान और ग्रामीण उपभोक्ता जो बिजली का है वो काफ़ी त्रस्त। गांव में विद्युत सप्लाई लो वोल्टेज में होने के कारण पंखे नहीं चल रहे, प्रकाश नहीं हो रहा, विद्युत पंपों से मोटर नहीं निकल रहा, इससे किसानों की सारी फसलें समाप्त हो रही हैं। एक तो प्रकृति धोखा दे रही है। इन्हीं सब बार बार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के बाद जब विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी अपनी तानाशाही रवैये पर आ गए, तब हमको मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हम लोगों ने, किसानों ने हमारे क्षेत्र के निर्णय लिया है, यदि विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हमारी मांगों को पर गंभीरता पूर्वक विचार करके उनका त्वरित निराकरण नहीं करते तो हम विद्युत विभाग के अधिकारियों को चैन से बैठने नहीं देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।